under the topic of consumer behavior we are going to study the assumptions of consumer preference ordering and the assumption differentiability we are going to study today this property allows that the consumption function or the any function because this property is derived from the mathematical derivations this property says that any function

हम उसके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं कर सकेंगे अब डिफ्रेंसीशन को अगर हम देखें तो मैथमेटिकल टर्म्स में हम डिफ्रेंसीशन को कहते हैं डेरीवेशन अब डेरीवेशन के लिए तो अब हमारे कर्व का कन्वैक्स होना कंटिन्यूस होना की दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमारे पास डिफ्रेंसीशन की प्रॉपर्टी मौजूद होगी तब हम उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन के रूल्स को लगा सकेंगे अब अगर हम इसी प्रॉपर्टी को अपने कंजम्पशन फंक्शंस के ऊपर या यूटिलिटी फंक्शंस के ऊपर हम देखें तो अगर हम ये कहते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि जो यूटिलिटी फंक्शंस हैं वो डिफरेंशिएशन हम उसकी कर सकते हैं और वो डिफरेंशिएशन जो है वो उसका रिक्वायर्ड ऑर्डर होगा जिसके तहत हम उस पर करना चाहेंगे और ये जम्शन ये भी हमें कहती है कि इसके तहत अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं तो जो इनडिफ्रेंस कर्व है या उसकी जो सरफेस है वो उसके अंदर कहीं पे भी सडन जंप नहीं आ सकता या उसके अंदर अगर हम देखें गैप भी नहीं आ सकता और सडन जंप भी नहीं आ सकता तो अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उसको रेगुलरली डाउनवर्ड स्लोपिंग रहना है और अगर उसको अपवर्ड या पॉजिटिव स्लोपिंग है तो वो उसी फॉर्म में जाएगा और अगर उसमें जंप्स या अपवर्ड मूवमेंट्स आ रहे होंगे तो फिर उसकी जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगी वो सेम नहीं रहेगी इसीलिए जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज हमने जब कैलकुलेट करना है या कंपनसेशन हमने करना है तो उसके लिए हमें इसकी इनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व के अलोंग ही उसको कैलकुलेट करना होगा और इसीलिए हमारे पास जो इसकी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम रियल एनालिसिस मीन मैथमेटिक्स की वो एक ब्रांच है उसी तरीके से कैलकुलस है अगर हम उसमें हम करें तो उसमें जो डेरिवेटिव का रूल हम अप्लाई करते हैं हम टेलर सीरीज का मेथड उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हम उसमें ले रहे हैं तो ये तमाम के तमाम जो फंक्शन है ये उसका जो बेसिक सेंस है कि वो फंक्शन की डिफरेंशिएशन को पॉसिबिलिटी को हम अज्यूम करते हैं तो ही मुमकिन होता है इसी प्रॉपर्टी को अगर हम मैथमेटिकली या ग्राफिकली अब हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एनी कर्व दैट इज एक्सप्लेन ऑन द एक्स एक्सिस एंड एट द सेम टाइम द अदर कमोडिटी दैट इज़ एक्सप्लेन ऑन दिस वाई एक्सिस एंड द कम्बिनेशन ऑफ दिज एक्स वन एंड एक्स टू प्रॉपर्टीज़ के हमारे पास अगर हम दो लाइनें ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम उनकी डिफरेंट कमोडिटीज़ की क्वांटिटीज को मैं रख के कम्बिनेशन बनाऊँ कि हम कहें कि यहाँ पे x1 की एक थी यहाँ पे दो है ये तीन है ये चार है तो हम इसी तरीके से इसके वेरियस कमोडिटीज और उसी तरीके से हम कहें कि हमारे पास यहाँ y की वन है टू है थ्री है फोर है तो जो कम्बिनेशन हमारे सामने बनेंगे तो वेन x1 की कमोडिटी एक है तो हम उस वक्त देखें तो हमारे पास जो x2 की कमोडिटी है वो मैक्सिमम अमाउंट में है तो अगर यहीं से हम देखें तो एक की कमोडिटी इस फॉर्म में इनक्रीज कर रही होगी सपोज हम कहें कि ये ट्वेंटी तक जाती है और इसी तरीके से एक्स टू का ट्वेंटी यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये उसी तरीके से ये कम होते होते डाउनवर्ड इसी तरीके से आएगा अब इनके जो वेरियस कम्बिनेशन हैं अब अगर हम उनको प्लॉट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस कर्व और ये बेसिकली देखें तो ये इन कम्बिनेशन के पॉइंट्स हैं जिनको हम ड्रा करते हैं कि ये एक ये पॉइंट था एक ये पॉइंट है ये पॉइंट्स हम कर्व के ऊपर नहीं ड्रा कर रहे हमने पहले तमाम कम्बिनेशन के पॉइंट्स अपने ग्राफ पर रखे हैं और उसके बाद द कर्व इज बेसिकली दैट लाइन दैट इज़ गोइंग टू ज्वाइन ऑल दीज कम्बिनेशन ऑफ आवर प्रेफरेंसेस और सिलेक्शन मॉडल्स और वी कैन से वेरियस कम्बीशन जो कि कंज्यूमर ने सिलेक्ट किए वो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंजम्पशन का बंडल उसका ए हो सकता है ये बी ये सी ये डी तो लाइक like देश है और अब उसका कंज्यूमर का जो बजट लाइन है या कॉन्स्ट्रेंट है अगर हम उसके तहत देखें और यही जो है ये उसकी कॉन्स्ट्रेंट को हम ड्रा करते हैं तो जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया तो हम उस चीज़ पर कहें तो ये जो स्लोप है इसकी जो ये जो टेंजेंसी बन रही है दिस लाइन टू दिस दिस टू दिस एंड दिस ये जो रेट ऑफ चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीन दिस रेट ऑफ चेंज इज़ चेंज इन एक्स टू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स वन मीन एक्स वन की कमोडिटी का अगर एक यूनिट हम ज़्यादा लेते हैं तो उसके लिए हमें एक्स टू की कितनी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और इसी तरीके से अगर हम इसको बैकवर्ड पे जाते हुए देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसकी मूवमेंट को इस लॉन्ग में जाएंगे तो हम कहें कि X2 की कितनी कमोडिटी को हासिल करने के लिए X1 की कितनी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो उस फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो हम चेंज इन X1 वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली जो स्लोप है और इस कर्व की हमें अगर हमने करना हो तो ये जब तक हमारे इस फंक्शन में जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेट ऑफ चेंज हम कैलकुलेट ना कर पाएं जो कि डिफ्रेंसीशन की प्रॉपर्टी हमें देती है तो हम इसको फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते तो दिस प्रॉपर्टी इज़ द बेसिक असेंस। अगर इसी तरीके से हम अगर हम देखें तो जो हमारे पास रेशोस हमारे पास आ गई हैं तो अगर इसका मतलब है कि ये रेशोज बिगर अमाउंट में भी हो सकती हैं अगर इसी कर्व में हम जाएँ तो अब अगर हम देखें तो ये वाली अमाउंट एक अच्छा खासी और उसी हवाले से एक ये भी हो सकती है और ये भी तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में हम अगर देखें तो यहाँ तक तो ये तय हो गया कि हमने रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है और उसके लिए वेरियस अमाउंट्स होंगी अब ये अमाउंट्स किस हद तक होनी चाहिए उसके लिए अगर हम देखें तो उन्होंने हमें जो एक मैथमेटिकल रूल हमारे पास आता है कि चेंज इन एक्स टू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स वन कीपिंग इन व्यू वेन यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इज कैप कॉन्स्टेंट एंड कब कैलकुलेट कर रहे हैं हम अब उसकी कैलकुलेट करते हैं लिमिट के जरिए और लिमिट मैथमेटिकल टूल हमें यह कहता है कि वो छोटे से छोटा प्वाइंट है डैट नाट इक्वल टू जीरो बट चेंज इन एक्स वन इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरोनि हम कहते हैं चेंज इन एक्स वन हो रही है कितनी दैट इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल दैट इट अप्रोच टू ज़ीरो इसका मतलब है कि वही वाला कर जिसको हम हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो इस एक चेंज को अगर मैं वाजिया करूँ कि ये इतनी सी लाइन थी और इसके लिए हमने ये एक पार्ट था तो राधर इसको अगर हम कहें तो इसको अगर मैं मैग्नीफाइंग फॉर्म में अगर कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ये अगर कर्व का ये वाला हिस्सा है तो ये जो इसके अंदर बिल्कुल माइन्यूट सी अगर मैं छोटे छोटे कर्व और देखूँ जो कि हम समझें कि अगर हम किसी चीज़ को लेंस के ज़रिए देख रहे होंगे तो ये इस फॉर्म में अगर हम देखें तो ये इसको हम मैग्नीफाई करके देखें तो इसके अंदर इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स और उसी तरीके से अगर हम मज़ीद देखें तो इसके अंदर भी इससे भी छोटे इट मीन्स दैट स्लोप इज बेसिकली मेयरड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स वन वेन दिस चेंज इन एक्स वन वाज अप्रोचिंग टू ज़ीरो बस ज़ीरो से एक थोड़ी सी अमाउंट अगर हम ज़्यादा कर लें तो हम कहें कि ये उस फॉर्म में हमारे पास आ रहा है और जब हम इसको मूवमेंट करेंगे पॉइंट्स को लेफ़्ट वर्ड हम इन डिफरेंस कर्व पे तो हमें अपना जो डेरिवेटिव है हम देखते हैं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है अब इनक्रीज फॉर्म में देखें तो यहाँ से जब हम इसको डाउनवर्ड फॉर्म में जाते जाएंगे तो इसमें हम देखें तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एक्स वन था और जो हमारा न्यूमरेटर है वो चेंज इन एक्स टू है वो यहाँ से चेंज होते होते वो हमारा इधर तक मूव करता चला जा रहा है और यही जो रेट ऑफ चेंज है अगर जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो ये बेसिकली देखें तो ये हमारी सब्सिट्यूशन हो रही है एक्स टू कमोडिटी की विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन तो ये जो सब्सिट्यूशन है इसी के दरमियान जो रेट ऑफ चेंज है यही हमारा रेट ऑफ सब्सिट्यूशन कहलाता है तो अगर इसी रेट ऑफ सब्सिट्यूशन को अगर हम देखें तो अगर हम कहें कि यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड वन विद टू गुड टू हमारे सामने आता है तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं इन दैट फॉर्म जिसमें हम कहते हैं कि अगर हमने चेंज इन एक्स वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू कैलकुलेट किया और दूसरी फॉर्म में अगर हमने एक किया था तो वो चेंज इन एक्स टू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स वन किया था अब अगर हम देखें तो इसी चेंज के साथ हमने साथ जो नेगेटिव का साइन शो करते हैं तो वो ये नेगेटिव का साइन एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है इस कर्व की स्लोप को कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जब हम इस चेंज पे जाते हैं तो ये हमारे पास चेंज में डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो ये x1 वन चूंकि बढ़ती जाती है चेंज और x2 कम होती चली जाती है तो ओवर द टाइम ये चेंज हमें डलाइनिंग शो हो रही है और अगर जब हम अपवर्ड मूवमेंट में इसकी कैलकुलेट करेंगे तो उसी फॉर्म में भी निमरेटर जो है वो हमारा स्मॉल होता जाता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है तो वो नेगेटिव साइन शो कर रहा है तो ये नेगेटिव साइन जो है ये हमारे उसकी स्लोप को शो कर रहा है और जब हम उसके साथ एक कंडीशन एक और लगा रही हैं यहाँ पे वेन वी से मीन्स कीपिंग यूटिलिटी कॉन्स्टेंट इसका मतलब ये है कि जिस फंक्शन या कर्व के अलॉन्ग हमने उसको कैलकुलेट करना है हमारी तो बेसिक जो एक अजम्पशन है कि यूटिलिटी ऑफ दैट दैट विल रिमेन कांस्टेंट, तो जो उसकी हमारे पास यूटिलिटी की है अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगी तो उसकी सब्सटिट्यूशन की प्रॉपर्टी को हम उसमें इंक्लूड नहीं कर सकेंगे और इसीलिए अब अगर हम इसको देखें तो यूटिलिटी ऑफ़ वन कमोडिटी दैट इज़ एक्सप्रेस्ड बाई देश और उसी तरह यूटिलिटी जो अगर हमने कैलकुलेट की इसी तरीके से दूसरे की स्लोप के ज़रिए और अगर अब हम दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो वह हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सीूशन जो है वो हमारे सामने एक्सप्लेन हो जाता है तो बेसिकली अगर हम देखें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सीूशन जो हमारे पास कैलकुलेट होके आ रहा है अगर हम देखें ऑफ कमोडिटी वन टू टू दिस बेसिकली इज द रेट ऑफ चेंज और द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स विद रिस्पेक्ट टू कमोडिटी एक्स टू तो दिस विल गिव द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंज़म्पशन फंक्शन बंडल्स यूटिलाइजेशन एंड द कंज्यूमर बिहेवियर